अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दंगल प्ले स्क्रीन एंड स्टेज अवार्ड्स 2023 18 मार्च शनिवार शाम 7 बजे दंगल प्ले पर। आपने हमें देख के बिंदिया का मेघा ने, जिसका मतलब ये है कि आप भी जानती हैं कि हम बिंदिया हैं, मेघा नहीं। बिंदिया, तुम हमको यहाँ पर क्यों लेकर आई हो? हमको जाने दो, खोलो। क्या करना चाहती हो हमारे साथ? खोलो, छोड़ दो हमको। आप लोगों ने हमें अपने ही घर से निकाल के खुशियां मना रहे, जाने दो, खोलो हमको। हमने कुछ भी नहीं किया है, खोलो। आपको अपनी माँ के खिलाफ साजिश करते हुए शर्म नहीं आई दी थी? हमें मजबूर करके माँ पर गोली चलाई गई, हमने आपसे मदद मांगी और आपने हमें ही धोखा दे दिया। धोखा तुम्हारे साथ ही नहीं, धोखा मेरे साथ भी हुआ है। हमारे पति जी ने धोखा दिया, हमसे कहा गया था कि गोली नकली है, इसलिए हमने किसी से कुछ भी नहीं कहा। हमारी कोई गलती नहीं है, छोड़ दो हमको विद्या, छोड़ दो। आप लोगों की साजिश ने हमारी जिंदगी उजाड़ दी। विद्या, तो तुम क्या करने जा रही हो? वही जो आप लोगों ने हमारे साथ किया था। तब क्या करने वाली हो तुम? विद्या, हमने कुछ नहीं किया है। देखो, हमको जाने दो ना, हमको जाने दो, हमको छोड़ दो, हमने कुछ नहीं किया है। हमने सुख चैन छीना आप लोगों ने, अब हम आपका सुख चैन छीनेंगे। हमारे आदमी ने ही आपके चाय में दवाई मिलाई थी और आपको हमारे पास लेकर आया, और अब आप बंदी हुए हो। बिंदिया, हमने कुछ नहीं किया है। देखो, हमको जाने दो ना। ऐसे कैसे जाने दे दीदी? देख तो लीजिए, आपके स्वागत के लिए हम किन्हें लेकर आए। तुम क्या करना चाहती हो बिंदिया? हमारा हाथ खोलो, हाथ खोलो, हमको जाने दो। बिंदिया, ये क्या कर रही हो? बिंदिया, तुमको पता है ना हमको छुओ से डर लगता है। बिंदिया नहीं, बिंदिया नहीं। छोड़ दो, हमको जाने दो। विद्या बंद कर दो, विद्या छोड़ दो, हमको छोड़ दो। विद्या, तुमको पता है ना कुछ छुए से डर लगता है। बंद कर दो उसको, बंद कर दो। विद्या हमारा हाथ खोलो, देखो ये जंगली छुए हैं, हमको मार डालेंगे। खोलो, हमको बचा लो विद्या, छोड़ो, खोल दो। हमने पिंजरे से कील निकाल दी है दीदी, देखिए कितना कमजोर पिंजरा है, कभी भी सारे चूहे बाहर आ सकते हैं, और वो बाहर आकर क्या करेंगे आप खुद सोचिए। बिंदिया हमारी बात सुनो, हम चलते हैं दीदी। नहीं बिंदिया, हमको छोड़ के बचाओ। बिंदिया हमको बंद करो, बिंदिया खोलो, हमको लेके चलो। बिंदिया, बिंदिया हमारी बात सुनो, बिंदिया रुको। देखो देखो, तुम जो कहोगी ना बिंदिया, हम वो करने को तैयार है, बस अब याद है बाहर लेके चलो। ये ससुरा घर के घर में पत्नी की वीडियो कॉल काय कर रही है? ससुर जी अभी आ। नमस्ते नंदोई जी। पति
दीजिए, हमको बचा लीजिए। नहीं नहीं, हमारी पत्नी जी को कुछ मत कीजिए। नहीं बिन्ने, खोलो। झुनझुन दीदी की जान खतरे में। अगर आपको अपनी पत्नी प्यारी है तो आप अभी के अभी सबके सामने जाके मेरे खिलाफ रचे गए षड्यंत्र की सारी सच्चाई सबको बताएंगे। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कौन सी सच्चाई? वक्त जाया मत कीजिए। झुनझुन दीदी ने हमें सब कुछ बता दिया है कि कैसे आपने उन्हें तोके में रखकर हमसे सासू माँ पर गोली चलवाई। और भी काफी सबूत है हमारे पास आपके खिलाफ। पति जी हमारी बात सुनिए। आपको पता है इसका एक आदमी घर पर भी है। पति जी ये जो कह रही है कर लीजिए, हम इसकी बात सुन लीजिए। आपको हम लंबे समय के लिए जेल भिजवा सकते हैं। चुपचाप खुद ही सबूत बता दीजिए। इसलिए खुद से कबूल कर लीजिए सब कुछ। तो आपसे थोड़ी नरमी से पेशा लेंगे, आपकी सजा भी कम करवा दें। फैसला आपके हाथ में। कबूल करते हैं या करे आपका पर्दाफाश? नहीं नहीं, आप जो बोलेंगे हम करेंगे, पर हमारी पत्नी जी को कुछ नहीं होना चाहिए। हम सबको सब कुछ बता दें। अभी बताइए, जेब में फोन रखिए और अभी जाके सबको सच बताइए। एकदम से कहां चला गया कमल? बच्चियों, खूब पढ़ाई करना और अपने माँ बाप का नाम खूब रोशन करना। अरे शांत हो जाइए, हमें आप सबसे कुछ कहना है। क्या हुआ जीजा जी? साले साहब, वो जो मरी है वो बिंदिया नहीं, मेघा थी। एक बहुत बड़ी चाल चली गई आपके और बिंदिया के खिलाफ, और इस सब के पीछे हमारा, ससुर जी का, रुंझुन का और चुबली का हाथ। हमको जाने दो। अब सच्चाई अभय जी के सामने आ गई, यही चाहते थे। आप जा सकती हैं दीदी। आप सब लोग यहाँ से जा सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ हमारे परिवार के लोग रुकेंगे। अरे बेटा, हमारी बात। पापा, आप ये कैसे कर सकते हैं? पापा,
इतना बड़ा धोखा। अबे अबे सब झूठ है, हमने जो कुछ भी कहा है ना वो सब झूठ है। उस मेघा ने हमको मजबूर किया ये सब बोलने के लिए, हमारा किडनैप किया, हमको ब्लैकमेल किया, हम सच कह रहे हैं, हमारा विश्वास करो। माफ कीजिए दीदी, माफ कीजिए दीदी, माफ कीजिए दीदी, मुझे आप किसी पर भरोसा नहीं। अरे मेरा ही परिवार मेरे साथ खेल खेल रहा है। पापा आपने आपने मुझे किडनैप करवाया और फिर बिंदिया को मजबूर किया कि वो गोली चला दे। वो बार बार मुझसे कहती रही लेकिन मैं हमेशा उसे गलत समझता रहा। चला गया था तो कमल वो ओ जी मेरी ना तबीयत तो थोड़ी खराब हो गई थी जी, ओ तो उसी के वास्ते दवाई लेने गया थी। ओ की हो गया? क्या बताऊं यार तुझे कमल, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन अपना है और कौन पराया। मुझे किस पर भरोसा करना चाहिए किस पर नहीं। अब है बात समझने की कोशिश करो, ये मेघा ना चाल चल रही है, हम लोग के बीच में फूट डालने की कोशिश कर रही है। और हाँ, उसका एक आदमी ना हमारे इस घर में है। आदमी घर के अंदर? हम सच कह रहे हैं अभय। मैं जानता हूं दीदी। क्या? और वो आदमी कौन है जिसने उसका साथ दिया है वो भी जानता हूं। अंजू भाभी, अंजू भाभी, अंजू भाभी। अंजू भाभी, ये सब कहा कह रहा है तू लल्ला? वही जो मुझे पता चला है माँ, मैं कमल को ढूंढ रहा था और तभी किचन में मुझे एक बेहोशी की दवाई की शीशी मिली। फिर चंदू ने मुझे बताया कि आज अंजू भाभी ने खुद अपने हाथों से रुंझुन दीदी के लिए चाय बनाई और उनके कमरे में भिजवाई दी।
अरे छोड़ो ना, बाहर जाके पी लेंगे। नहीं नहीं नहीं, अम्मा ने तो ना सबको साफ साफ कह दिया कि ये मसाला सिर्फ उनकी बेटी रुनझुन के लिए। आप उस मेघा के साथ मिली हुई है ना भाभी? नहीं देवर जी, हम मेघा के साथ नहीं है। झूठ मत बोलिए भाभी। आपने रुनझुन दीदी को बेहोशी की दवा मिलाकर चाय पिलाई कि नहीं? देवर जी वो तो चाय पिलाई कि नहीं, चाय पिलाई कि नहीं। शेरा, यहाँ बात तो हरिशंकर जी की है ना? ओ हरिशंकर जी ने सब कबूल तो कर लिया? तुझे कैसे पता चला कमल? तू तो यहाँ था भी नहीं ना, अभी अभी आया है। नहीं जी नहीं, ओ मैं तो बाहर ही था, ओ बाहर से ही सब सुन रहा था। रुनझुन दीदी के फोन से जब मेघा ने फोन किया था, मैं जीजा जी के साथ ही था। लंबे समय के लिए जेल भिजवा सकते हैं। चुपचाप खुद ही सबूत बता दीजिए, इसलिए खुद से कबूल कर लीजिए सब कुछ। और मैंने ही जीजा जी से कहा कि मेघा की बात मान ले, ताकि रुनझुन दीदी सही सलामत घर वापस आ जाए। और जैसे ही रुनझुन दीदी ने कहा कि मेघा का कोई आदमी हमारे घर में है, मैं तभी किचन में गया और मुझे चाय के बारे में पता चल गया। और ये जो कुछ भी हुआ है, इसमें मेघा का पूरा साथ दिया है अंजू भाभी ने। अंजू, तू उस धोखेबाज मेघा का साथ दे रही थी? तू तो बिंदिया की सहेली बनती थी ना, तू कैसे भूल गई कि उसी मेघा ने हमारी बिंदिया को हमसे छीन लिया? अरे उस खूनी मेघा का साथ देते वक्त तुझे शर्म ना आई? तुम्हारी इतनी हिम्मत? अरे जो मेघा इस घर को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है, तो उसी का साथ देने में लगी हुई हो। अभी निकालता हूं तुझे। आज तुझे बताता हूं। अपनी हदें पार मत करो भैया। अरे छोटे तू समझा नहीं कि इससे मैं दोबारा नहीं बोलूंगा आपसे।
तू अपनी असलियत बताएगा कमल कि तेरा मेरे भाभी के साथ क्या लेना देना है। ए लल्ला, कमल की असलियत की क्या बात है? कहा ये भी मेघा के साथ मिला हुआ है? यही तो वो इंसान है माँ, जो मेघा का साथी है। किचन में भी यही था अंजू भाभी के साथ, इसी ने फंसाया अंजू भाभी को अपने जाल में और उनसे अपना काम निकलवाया। जब अंजू भाभी चाय बना रही थी तो ये भी उनके साथ था किचन में, और रुंजुन दीदी जब से गायब हुई तब से ये भी गया था। तेरा सच बाहर आ गया है कमल, अब तू खुद सच सच बताएगा या मैं अपने तरीके से सच निकलवाऊंगा।